प्रमोशन पाने के 6 माह बाद 1.5 दर्जन डीआईजी रैंक के आईपीएस अफसरों को मिली तैनाती। शासन ने आधी रात में 6 माह पहले प्रमोशन पा चुके 1.5 दर्जन आईपीएस अफसरों को नए पद पर तैनाती दे दी। ये सभी अफसर डीआईजी रैंक के हैं। इन्हें जनवरी में एसपी से डीआईजी के रैंक में प्रमोशन मिला था। खास बात ये है कि इसमें से अधिकतर को उसी जगह पर डीआईजी बनाया गया है जहां पर अभी तक वो एसपी के तौर पर काम कर रहे थे। जिन अफसरों का तबादला हुआ है इसमें एसपी रेलवे सौमित्र यादव को यूपी 112 है, बाबूराम को ईओडब्ल्यू से सीबीसीआईडी, गीता सिंह को सीबीसीआईडी से अभियोजन मुख्यालय, कोलांची को पीएसी आजमगढ़ से साइबर क्राइम लखनऊ, सर्वेश राणा को विशेष जांच प्रकोष्ठ से खाद एवं रसद, जुगत किशोर को अभी सूचना मुरादाबाद से दूरसंचार विभाग लखनऊ, विनोद कुमार मिश्रा को सीबीसीआईडी से भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ, बालेंद्र भूषण को एसआईटी से लॉजिस्टिक, राजीव मल्होत्रा को भ्रष्टाचार निवारण संगठन से पीटीएस उन्नाव, अखिलेश कुमार निगम को फूड सेल से ईओडब्ल्यू और योगेश सिंह को 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली से महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं एससीआरबी में तैनात सभाराज, विशेष जांच प्रकोष्ठ में तैनात स्वामी प्रसाद, अधिसूचना मुख्यालय में तैनात रमेश, फूड सेल में तैनात दयानंद मिश्रा, तकनीकी सेवा में तैनात डॉक्टर अरविंद भूषण पांडे, अधिसूचना में तैनात लल्लन सिंह और प्रशिक्षण निदेशालय में तैनात महेंद्र यादव को उसी शाखा में एसपी के स्थान पर डीआईजी बना दिया गया है।